get on together. आपका स्वागत है, मैं हूं अमृता। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। टॉयलेट हीरो चीन में, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भारत में कामयाबी के बाद अब चीन में टॉयलेट हीरो के नाम से रिलीज होने जा रही है। टॉयलेट हीरो चीन में 4300 स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। स्वरा के सपोर्ट में सोनम आनंद आहूजा। फिल्म वीरे दी वेडिंग के विवादित सीन जिसमें स्वरा भास्कर मास्टरबेशन करती दिख रही है को लेकर सोशल मीडिया में स्वरा ट्रोलर्स के निशाने पर है। अब सोनम आनंद आहूजा स्वरा के सपोर्ट में आ गई हैं। सोनम ने कहा, मैं वीरे दी वेडिंग फिल्म के सपोर्ट में हूं, ना कि स्वरा के पाक वाले बयान पर। हैदराबाद पहुंचे रणवीर और सारा। फिल्म सिम्बा की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह और सारा अली खान हैदराबाद पहुंच गए हैं। सिम्बा की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगी। इस फिल्म में पहली बार सारा और रणवीर की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ नजर आएगी। बॉक्सर बने शाहिद कपूर। शाहिद कपूर राजा कृष्ण मेनन की नई फिल्म को इस साल के अंत तक शुरू कर देंगे। फिल्म के लिए शाहिद 3 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरेंगे ताकि वो अपने आप को एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में तैयार कर सके। प्रियंका ने इंडियन को बताया आतंकी। क्वांटिको में प्रियंका FBI एजेंट की भूमिका निभा रही है। जब एक शख्स को प्रियंका और उनका साथी पकड़ता है तो उसके बाद रुद्राक्ष की माला मिलती है, जिसके बाद प्रियंका कहती है ये भारतीय नेशनलिस्ट है जो हमले के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। काला को सुप्रीम सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म काला की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जज ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा, आप फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना चाहते हैं, हर कोई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है। दार्जिलिंग पहुंचे रजनीकांत। रजनीकांत फिल्म की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन चेन्नई के फिल्म मेकर कार्तिक सुब्बाराज कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा जबकि सुपरस्टार रजनीकांत पश्चिम बंगाल में कहीं शूटिंग कर रहे हैं। इश्क सुभान अल्लाह में रुखसार की शादी। इश्क सुभान अल्लाह टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल है। अदनान खान, ईशा सिंह, विशेष शर्मा और अन्य कलाकार सीरियल में हल्दी का सीन शूट कर रहे थे। हल्दी का सीन कबीर के घर पे शूट हो रहा है। सिडनी फिल्म फेस्टिवल में मंटो। नंदिता दास की फिल्म मंटो जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंटो के रूप में है, इस फिल्म को सिडनी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। मंटो एक ऐतिहासिक काल की ड्रामा फिल्म है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय अपने लेखन के लिए जाना जाता है। मेलोडी को ग्लोबल म्यूजिक से जोड़ेंगे सोमेश। सोमेश न्यू ग्लोबल म्यूजिक जोनर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मिशन इंडियन फोक और क्लासिकल मेलोडी को दुनिया भर में पहुंचाना है, जिसके तहत इंडियन आर्टिस्ट ग्लोबल ब्रांड के रूप में पेश होंगे। अनूप जलोटा को भूल ना पाओगे। नया एल्बम भुला नहीं देना को लॉन्च किया जाने माने गजल गायक तलत अजीज ने। इस म्यूजिक वीडियो का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की है अशोक मेहता ने। म्यूजिक दिया है उमेश मेहरा ने और गाया है अनूप जलोटा और रीमा मेहता ने। खूबसूरती को बयां करती काजल। फिल्म काजल एक शादीशुदा महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की समाज में पुरुषों से प्रताड़ित होने के बाद खुद को कैसे निकालती है और फिर खुद के लिए रास्ता बनाती है। राकेश के साथ कबड्डी खेलेंगे रणवीर। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के ऑफिस से हाल ही में रणवीर सिंह निकलते नजर आए थे। राकेश कबड्डी के सब्जेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि रणवीर इसी फिल्म का हिस्सा बने। फिल्म बम्बलबी का ट्रेलर। फिटनेस की मार्केटिंग। सुनील शेट्टी कहते हैं, फिटनेस का बाजारीकरण कर दिया गया है। फिट रहने के नाम पर लोगों को ठककर करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। फिट रहने के लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर सही एवं संतुलित आहार खाकर फिट रह सकते हैं। 42 की उम्र में कुंवारी बर्थडे गर्ल। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को मुंबई में हुआ था। जितेंद्र की बेटी एकता ने छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक खूब नाम कमाया है। एकता एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। हैप्पी बर्थडे एकता। राजनीति में आ सकती है माधुरी। माधुरी दीक्षित के लिए खबर आ रही कि वो जल्द ही बॉलीवुड से राजनीति में कदम रख सकती हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी पार्टी के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत माधुरी दीक्षित से मुलाकात की है। बिटकॉइन स्कैम में सनी लियोन से पूछताछ। बिटकॉइन स्कैम मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज से पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सनी लियोनी के अलावा इस मामले में नेहा धूपिया, जरीन खान और सोनल चौहान जैसे कई स्टार्स का नाम सामने आ रहा है।
मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।